अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं सीखो और जानो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये जो डायोड्स वगैरह लगे हुए हैं सोलर पैनल की बैक साइड पर, ये सोलर पैनल है ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये सोलर पैनल की बैक साइड पर जो ये डब्बी लगी होती है इसके अंदर मुख्तलिफ डायोड्स लगे होते हैं, कईयों में तो 16 16 18 18 डायोड्स लगे होते हैं, ये 12 डायोड्स लगे हुए हैं। क्या इन डायोड्स का कोई फ़ायदा है या नहीं है? दोस्तों आप देख सकते हैं ये कैनेडियन सेल्स 150 वाट का सोलर पैनल है जिसके जो रेटेड वोल्टेज हैं वो 18 हैं और इसका जो रेटेड करंट है वो 8.96 है, जबकि ओपन सर्किट वोल्टेजेस हैं वो 21.6 हैं और 9 और ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट जो एम्पेयर्स हैं वो 9.0 हैं, 0 एम्पेयर्स हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने आपको दिखाना है कि इन डायोड्स के बगैर ये सोलर पैनल काम करता है या नहीं करता, क्योंकि ये बहुत सा धोखा दिया जाता है अवाम को कि ये डायोड इतने ज़्यादा हैं तो ये सोलर पैनल इतना काम करेगा। और ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये जो दो, ये तो चलो मुकम्मल नीचे 12 वोल्ट की लाइन आ रही, इन दो लाइनों का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, यहाँ से आप क्या ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको दिखाएंगे कि ये डायोड्स निकाल के क्या ये काम करता है या नहीं। पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि इन डायोड्स के साथ ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इन तारों के साथ हम आपको वोल्ट मीटर लगा के दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो का आगाज करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, इससे हमारे तमाम आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इनके साथ अपना वोल्ट मीटर लगा के, फिर आपको पता चल जाएगा इस सोलर पैनल के वोल्ट्स कितने आ रहे हैं और इसके एम्पेयर चेक करवा देते हैं कि टोटल एम्पेयर्स कितने आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हम इसके अपने वोल्टेज आपको दिखा देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसके जो वोल्ट्स आ रहे हैं वो 20 20.80 आ रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि ये देखें ये डायोड्स लगे हुए हैं फिलहाल, ठीक है, इस सोलर पैनल के, और ये 150 वाट का सोलर पैनल है आप देख सकते हैं, और इसके जो वोल्ट्स आ रहे हैं ओपन सर्किट वोल्ट वो 20.73 आ रहे हैं। तो दोस्तों आप इसके शॉर्ट सर्किट्स एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं कि इस टाइम 6.71 एम्पेयर आ रहे हैं शॉर्ट सर्किट पर हैं, ठीक है। ये मैंने इसे शॉर्ट सर्किट किया होगा और ये वही ओपन डब्बी वाला जो है सोलर पैनल है, ठीक है, ये 6.70 वोल्ट एम्पेयर इसके शॉर्ट सर्किट पर आ रहे हैं और अभी ये तकरीबन सीधा इस टाइम सोलर पैनल लिटाया हुआ है, देख सकते हैं ये सीधा सोलर पैनल है तकरीबन, इसे मैंने अभी फुल लिटाया नहीं हुआ, इसके डायोड्स निकाल के मैं आपको फुल लिटा के इसके जो है एम्पेयर्स भी चेक कराऊंगा और वोल्ट्स भी चेक करवाऊंगा। दोस्तों डायोड्स को निकालने के लिए आपने क्या करना है, ये जो तमाम इसके जो स्क्रूज हैं इनको आपने खोल लेना है, ठीक है। तो ये जैसे ही खुलते हैं फिर मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ, इसकी टेस्टिंग कर लेंगे, इसके कितने वोल्ट्स आ रहे हैं, कितने एम्पीयर्स आ रहे हैं, क्या कोई फ़र्क पड़ता है इन्हें खोलने का या नहीं। दोस्तों मैं पहले 12 वोल्ट वाली साइड के निकाल लूँ फिर जो है ना आपको मैं बताता हूँ कितने वोल्ट्स और एम्पीयर ऐसे इसके मिलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने तमाम डायोड्स निकाल दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ इसके वोल्ट्स कितने आते हैं और इसके एम्पेयर्स कितने आते हैं, और इन दो कनेक्शंस के भी आपको वोल्ट्स मैं चेक करवा देता हूँ कि ये कितने इसके वोल्ट्स, ये कनेक्शन क्यों आए हैं और कितने वोल्ट्स इसके हमें मिलते हैं और कितने एम्पेयर्स मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं आपको इन दोनों तारों से इसके वोल्ट्स चेक करवा देता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा आया कि ये डायोड्स कुछ काम के हैं या नहीं है, और ये भी मैं आपको बताऊंगा ये डायोड्स लगे क्यों होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको इसके वोल्ट्स चेक करवाता हूँ। ये देखिए दोस्तों डायोड्स को निकालने के बाद भी जो वोल्ट्स हैं वो तकरीबन सेम टू सेम ही आ रहे हैं, ठीक है, 20.60 70 ही आ रहे हैं निकालने के बाद भी, आप देख सकते हैं डायोड्स इस टाइम निकले हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको इसके एम्पेयर्स चेक करवा देता हूँ कि इसके एम्पेयर्स कितने आ रहे, आया कि एम्पेयर्स में तो कोई फ़र्क नहीं आया, ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, अम्पेयर्स भी बिल्कुल सेम टू सेम आ रहे हैं जिस कंडीशन में मैंने ये पैनल रखे हैं, तकरीबन सीधे ही हैं। तो 6.71 अम्पेयर इस टाइम आ रहे हैं। ये देखिए, अब मैं आपको सोलर पैनल की कंडीशन दिखा देता हूँ। सोलर पैनल इस तरह जमीन पर खड़े हुए हैं, थोड़ी सी मैंने टेक दी है इसे सोलर पैनल्स को। जैसे ही मैं इसे उठाऊंगा, ये मैं इसे उठा रहा हूँ, थोड़ा सा लिटाऊंगा इसे, जैसे ही थोड़ा सा और लिटाऊंगा, ये इसके अम्पेयर्स बढ़ते जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा और लिटा रहा हूँ, आप इसके अम्पेयर्स में बकायदा फर्क देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, तकरीबन 7 अम्पेयर्स हो चुके हैं, पूरे 7 अम्पेयर्स हैं थोड़ा सा लिटाने के बाद। अगर मैं इसे थोड़ा सा और लिटाता हूँ, 45 के एंगल पर करता हूँ, तो इसके और अम्पेयर्स बढ़ जाएंगे। अब आपने देख लिया होगा कि इन डायोड्स का इसमें कोई रद्द अमल नहीं है, कोई कोई फायदा नहीं है, कोई काम नहीं है। ये सिर्फ दिखावे के लिए लगाए जाते हैं, आवाम को बेवकूफ करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और हम जो लोग हैं वो डायोड्स को देख के, जनाब ये सोलर पैनल इतना वर्क करता है, इतना वर्क करता है, डायोड्स का इसका कोई अमल दखल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ डायोड्स किस तरह लगे हुए थे और क्यों लगे होते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपने ये एंड तक लाजमी देखना है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 2 पॉइंट्स और दिए गए हैं, ये वाले ये 4 है ना, ये पहले और चौथे पर तो 12 वोल्ट के कनेक्शन है, दरमियान में कितने वोल्ट के कनेक्शन है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने इन दरमियान में 2 कनेक्शन लगाए हैं, लेकिन इस टाइम वोल्ट 0 आ रहे हैं। ये देखिए, मैंने वोल्ट के ऊपर सिलेक्ट किया हुआ है अपने वोल्ट मीटर को, और ये वोल्ट 0 आ रहे हैं, मिलीज में आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो पॉइंट है रेड वाला, ये हम रेड पे लगाते हैं, और बाकी ये किसी एक पर भी लगा देते हैं। फिर आपको इन दोनों में से किसी एक पर लगाते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि कितने वोल्ट्स आते हैं इसके। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने पहली एक रेड पे लगाई है, रेड वाली रेड पे लगाई है, और ब्लैक वाली जो है वो मैंने अपना सेकेंड वाली पर लगाई है। तो जो वोल्ट्स आ रहे हैं वो तकरीबन 9.65, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 6 वोल्ट्स के कनेक्शन है इस तरह से, ठीक है दोस्तों। और इसमें वो डायोड्स का कोई अमल दखल नहीं है, मैं फिर से आपको बता दूं, डायोड्स का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, डायोड सिर्फ दिखावे के लिए लगाए जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ डायोड्स किस तरह लगाए जाएँ तो हमें फ़ायदा हो। दोस्तों डायोड को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है ताकि आपको ओवर जो रिवर्स पावर की प्रोटेक्शन मिल सके, यानी कि अगर आपका सोलर पैनल बैटरी के साथ लगा हुआ है तो आपको उसकी रिवर्स पावर जो है वो सोलर पैनल की तरफ ना जाए। इसलिए हम ज़्यादातर चार्ज कंट्रोलर्स लगाते हैं ताकि हमारी जो रिवर्स पावर है बैटरी से वो सोलर पैनल की तरफ मत जाए। तो जिसकी वजह से होता ये है कि सोलर पैनल के सेल्स जो हैं वो टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और सोलर पैनल में आग लगने का भी ख़तरा मौजूद होता है। तो इस तरह पैरेलल में लगाने से डायोड्स किसी भी सूरत कोई काम नहीं करते, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ना लगाएं तो नुकसान नहीं है, लगा लें तो कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए कंपनी ये डायोड्स लगाती है, और इन डायोड्स का कोई भी काम नहीं है। जैसे कि आपने देख ली, अम्पेयर्स भी सेम है, वोल्ट्स भी सेम है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओवर रिवर्स पावर जो प्रोटेक्शन है वो भी मुहैया नहीं करते, क्योंकि दोस्तों जो रिवर्स पावर जानी है ये रेड तार से ऊपर जानी है। अब वो जो डायोड्स हैं वो एक स्विचिंग का काम करते हैं, मैं आपको डायोड भी दिखाता हूँ, डायोड कैसे लगा हो तो ये काम करेगा। देखिए दोस्तों, ये डायोड है, ठीक है, इसका जो लाइन वाला एरिया है ये शो करता है कि ये नेगेटिव वाली साइड है, ठीक है। अगर हम इसे पॉजिटिव वाली साइड पर लगाएंगे तो पॉजिटिव का करंट नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा, और ये पूरा जो ब्लैक है ये पॉजिटिव साइड है। अगर हम इस डायोड को इस तरह लगाते हैं कि पॉजिटिव जो इन है वो ऊपर से आ रही है और नीचे से रिवर्स पावर जो है वो पॉजिटिव आ रही है, तो ये कभी भी ये फिर रिवर्स पावर प्रोटेक्शन हमें मुहैया करेगा। लेकिन ये 6 एम्पेयर का डायोड है, अगर मैं आपको रेटिंग दिखाऊं, ये तकरीबन 6 एम्पेयर का है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो पैनल हमें प्रोवाइड करता है तकरीबन गर्मियों में, फुल गर्मियों में हमें तकरीबन 7.5 से 8 एम्पेयर हमें प्रोवाइड कर देता है, तो ये इसको नहीं लगाया जा सकता। इसे तकरीबन तकरीबन
15 से 20 एम्पेयर का सीरीज में डायोड लगा होना चाहिए। तो पैरेलल में डायोड लगाने का कोई फायदा नहीं। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्ड अब मैंने आपको बता दिया कि इस डब्बी में अगर डायोड लगे हों तो उसका क्या फायदा है, ना लगे हों तो उसका क्या नुकसान है। कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, ये सिर्फ दिखावे के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका सोलर पैनल खराब हो जाए, काम ना करे, आपने क्या करना है। वो आपने वीडियो लाजमी देखनी है। वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जब वो वाली वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार में मिल जाए। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद उस्मान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।